अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संबल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये हमने एक सिस्टम छोटा सा इंस्टॉल किया है 60 किलोवाट के। इसमें सोलर इन्वर्टर यूज़ किए हमने और 50 किलोवाट के सोलर पैनल यूज़ किए हैं और इसमें टेम्परेरी 12 बैटरीज लगाई हैं, टॉल ट्यूबलर 185 AH की। अच्छा, इसमें हमने इन्वर्टर यूज़ किए इन्फिनी 10 किलोवाट के। ये हमारा जो बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये सोलर आउटपुट का है। इसमें हमने 10EN06 का मीटर लगाया है वोल्टेज और एम्पेयर के लिए। सेम हमारा ये वापरा इनपुट का है, जिस पे हमने 172 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया 4-pole और 40 के SPD स्नाइडर की लगाई है हमने इसके ऊपर। AC, DC और LA कार्ड्स हमने सेपरेट किया इसके ऊपर। अच्छा, ये इसके कनेक्शन हैं सारे, हमने कहा ये पैडल करके लगाए हैं। अच्छा, ये 6 इन्वर्टर हैं जिनमें से हमने 5 इन्वर्टर्स को पैडल करके लगा दिया है और छठे का, क्योंकि फर्मवेयर जो है वो आउटडेटेड है या अपग्रेडेड है, उसे अब कंपनी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसका सोल्यूशन बता दें, तो कोई 1.5-2 वीक तो हो गए इस बात को, हमने उनसे क्वेश्चन किए हुए तो रिप्लाई तो नहीं आया उनका अभी तक। तो आई होप के इन्वर्टर्स जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा, हमें हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो छठा इन्वर्टर हमारा इसके साथ कॉमन नहीं हो रहा है, कंबाइन नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें सपोर्ट करेगी। क्योंकि दोबारा वापस इन्वर्टर्स पर आने का मकसद ये था कि हमें जो है आफ्टर से सर्विस अच्छी मिल जाए। अच्छा, ये जो हमारा बॉक्स है ये सोलर आउटपुट का है, जिसमें हमने ब्लू केबल्स यूज़ किए हैं और लेबल्स में हमने लगाए हैं हीट स्लीव के साथ रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। आउटपुट जो हम इससे में से ले रहे हैं वो ले रहे हैं 25 mm सिंगल कोर में सेपरेटली। इसी तरह ये हमारी इनपुट की DB है, इस पर हमने रेड कलर की वायर यूज़ की है जो लाइट ब्राउन फील हो रही है, और इस पर भी हम जो इनपुट लिए हमने वो 25 mm सिंगल कोर से लिए है और 6 mm सिंगल कोर हमने इन्वर्टर को दिए पर फेज़। अच्छा, हमारा हर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो अर्थ है, इसको हमने प्रोटेक्शन दिए। नीचे हमारी DC और AC के अर्थ की DB है, अभी हमने इस पर मार्किंग नहीं की, मार्किंग करनी रहती है। ये हमारी एक नंबर इन्वर्टर का AC इनपुट AC आउटपुट की DB है, इस पर 32 एम्पीयर के ब्रेकर यूज़ किए हमने इनपुट आउटपुट पे, मित्सुबिशी NF125SW मॉडल है इनका, 3-pole और नीटो इसकी हमने कॉमन बसबार भी की है, ये भी अर्थ किया हुआ है, हर DB को अर्थ किया हुआ है, इसने बुक डाल दी हमने पहले इन्वर्टर के बॉक्स में, इन्वर्टर की यूज़र मैनुअल। इसके नीचे जो DB और DC की है, ये 6 DBs हैं हमारी नीचे DC की और 6 DBs हैं हमारी AC की। अच्छा, इस पर जो हमने बैटरी पे ब्रेकर लगाया वो लगाया टेरासाकी का 200 एम्पीयर्स का, जिसके 2-pole यूज़ कर रहे हैं, 3-pole ब्रेकर है जिसके सिर्फ 2-pole ही यूज़ कर रहे हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव में। और इस पर जो DC PV पे ब्रेकर लगाया वो लगाया हमने IC60N 663 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया है, 1000 वोल्ट DC सपोर्टेड। ये सारी DBs एक जैसी हैं, नीचे DC की और ऊपर AC की। ये हमारा DC का कंबाइनर बॉक्स है बैटरी बैंक का, जिसमें हमारे 3 बैंक्स कनेक्ट हैं और 6 इन्वर्टर कनेक्ट्स हैं। इस पर हमें 10 बैंक कनेक्ट करने हैं इसी बदबार पर, इसी थिकनेस आप देख सकते हैं। और DC DB सबकी सब सेम है, सिमिलर हैं। अच्छा, हमने इनपुट पे जो है वापरा इनपुट पे जो हमने इन्वर्टर को दिए, उस पर हमने जो रेड कलर की केबल यूज़ की है जो लाइट ब्राउन फील कर रही है, और ब्लू कलर की केबल हमने आउटपुट पे यूज़ किया है। 6 mm सिंगल कोर 3 फेज अलग अलग यूज़ किए हमने। वेल गाइज, इसकी कमीशनिंग तकरीबन हो चुकी है, थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क बाकी है और इसकी लेबलिंग बाकी है। तो वेल विल अपडेट यू सून गाइज वंस डन। एंड गाइज, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के बारे में मिलती रहे। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।